उधर झरिया बलियापुर जिला प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद जिले में अवैध कोयले का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोयले के काले कारोबार में अंकुश लगाने के लिए सीओ ने बलियापुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में कोयला जब्त किया है। सीओ का कहना था कि 17 फरवरी को तालगाछ मोड़ में सीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी में कोल माफिया मुकेश सिंह का नाम आया था। इसमें सीओ को जान से मारने की धमकी मिली थी। वहीं जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप है। पर आए हुए हैं, गुप्त सूचना मिली थी कि प्रेमनगर बरदाहा में इलीगल कोयला का भंडारण किया गया है। उसी के आलोक में मैंने निरीक्षण करने औचक निरीक्षण करने पहुंचा तो पाया कि लगभग 20 टन कोयला था। इसके अलावा मेरे द्वारा जो है लगभग 11 बजे रंगा माटी में कोयले के काले कारोबार में अंकुश लगाने के लिए सीओ ने झरिया के बलियापुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर भारी मात्रा में कोयला जब्त किया है। सीओ का कहना था कि 17 फरवरी को तालगाछ मोड़ में सीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी में कोल माफिया मुकेश सिंह का नाम सामने आया था। इसमें सीओ को जान से मारने की धमकी मिली थी। वहीं जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप है। बड़ी मात्रा में यह अवैध कोयला जब्त किया गया है। छापेमारी के दौरान सीओ को धमकी भी मिली थी। छापेमारी के दौरान जान से मारने की धमकी मिली थी। बड़ी मात्रा में स्टॉक कोयले को जब्त किया गया। झरिया संकेत हमारे साथ फोन लाइन पर है। अंकित, बड़ी मात्रा में जो कोयले का स्टॉक हम तस्वीरों में देख रहे हैं उसे जब्त किया गया है छापेमारी करते हुए। हालांकि छापेमारी के दौरान सीओ को कोयला माफियाओं ने जान से मारने की धमकी तक दी थी। क्या है पूरा मामला, जानकारी चाहेंगे? बिल्कुल, कहें तो जिशांत, ये बलियापुर थाना क्षेत्र का मामला है। हालांकि कहें तो झारखंड के धनबाद कोयला चोरी के मामले में अभी अव्वल नंबर पर आ रहा है। और धनबाद के जो बलियापुर है वहाँ कहें तो बलियापुर थाना प्रभारी श्वेता कुमारी पर बलियापुर सीओ राम प्रवेश कुमार ने आरोप लगाया है कि बलियापुर थाना क्षेत्र में जितने भी कोयला का अवैध कारोबार चल रहा है वो बलियापुर थाना प्रभारी के द्वारा कराया जा रहा है जी। और इसी बात को लेकर के हालांकि सीओ को धनबाद उपायुक्त के तरफ से पदभार मिला हुआ है कि कोयला चोरी पर रोक लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए उनको सक्षम पदाधिकारी का नियुक्ति किया गया है। और इसी बीच वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं और कल बलियापुर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर, आमताल, उसके बाद घड़बड़, ऐसे कई अन्य जगह पे छापामारी करके कम से कम 3 से 4 ट्रक कोयला और 20 से 25 टन कोयला। अच्छा अंकित, कोयला तो जब्त किया जा रहा बड़ी मात्रा में, गिरफ्तारियां हो रही है कि नहीं? बिल्कुल, कहे तो जो तस्कर हैं जो उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन कोयला छापामारी करके पकड़ा जा रहा है। और इसी बीच कहे तो ये दोनों लड़ाई जो सीओ और थाना प्रभारी के बीच का जो लड़ाई है, इसी बीच जो कोयला तस्कर के जो सिंडिकेट है उनके द्वारा जान मारने की धमकी दिया गया, जिससे कि बलियापुर के सीओ जो है राम प्रवेश कुमार वो काफी डरे और सहमे हुए हैं जी। तो जब वो छापेमारी करने जाते तो उनके साथ प्रॉपर सुरक्षा बल होते हैं कि नहीं? कहें तो बलियापुर थाना के द्वारा नियुक्त किया जाता है बल और उसी को लेकर के वो जाते हैं। लेकिन कहें तो जिस तरह से छापामारी कर रहे हैं बलियापुर सीओ, इससे काफी कोयला तस्करों में, जो बलियापुर क्षेत्र का जो कोयला तस्कर और सिंडिकेट है, इन सभी के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। और लगातार इससे पहले भी 10 ट्रक जो अवैध कोयला को छापेमारी कर बलियापुर सीओ ने पकड़ा है। इस बीच को लेकर के बलियापुर सीओ का कहें तो कोयला सिंडिकेट के बीच नजर चढ़ी हुई है जी। और शुक्रिया आपका अंकित तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।